हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिंदी की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी की आज की क्लास में हम सीखेंगे पार्ट 19 रमा की बगिया। इस पार्ट का भाषाज्ञान। तो भाषाज्ञान में आज हम देखेंगे कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पहले हमें ये समझना है कि समान अर्थ वाले शब्द यानी कि क्या होता है। तो समान अर्थ वाले शब्द का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे शब्द लिखना है जिसका मीनिंग भी क्या है, जिसका अर्थ सेम हो। समझ में आया क्या? जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसका मीनिंग सेम आना चाहिए, यानी कि सेम सेम दो शब्दों को हम बोल सकते हैं समान अर्थ वाले शब्द। ओके, समझ में आया आपको? तो समान अर्थ वाले शब्द लिखने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है। अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 जो है वो आपको ओपन करना है। अभी देखो, हम ब्लैक बोर्ड पे समान अर्थ वाले शब्द समझते हैं। देखो, ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ चार शब्द लिखे हैं। तो इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द हमें अभी लिखना है। तो जैसे कि देखो, पहला वाला शब्द क्या है अपना? घर। तो घर को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे होम, लेकिन हमें हिंदी में जब हम समान अर्थ वाले शब्द लिखते हैं तो हमें वहां पे इंग्लिश का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समान अर्थ वाले शब्द जो है वो हमें हिंदी में ही लिखना है। तो जैसे कि घर का समान अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? फिर घर को हम क्या बोल सकते हैं? मकान। क्या बोलते हैं घर को? मकान भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मकान। हो गया घर का समान अर्थ वाला शब्द। घर का मतलब भी घर ही होता है और मकान का मतलब भी घर ही होता है। ओके, देखो उसके बाद क्या है अपने पास? रास्ता। रास्ता, तो रास्ते को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रोड। अगर हिंदी में ही हमें अगर कोई समान अर्थ शब्द लिखना है तो रास्ता का समान अर्थ वाला शब्द आएगा पथ। क्या आएगा? पथ। पथ का मतलब भी क्या होता है? रास्ता ही होता है। अगर यही हमें मराठी में लिख रहा होता तो रास्ता का हम क्या लिख पाते? बाट। बाट भी बोलते हैं, बाट, रास्ता, ये क्या हुए? मराठी शब्द हुए। लेकिन अगर हमें हिंदी में लिखना है तो रास्ता का क्या आएगा? पथ। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है यहाँ पे? महक। तो महक का मतलब क्या होता है? महक मतलब होती है स्मेल। महक का मतलब क्या हुआ? स्मेल। तो महक का समान अर्थ शब्द हम क्या लिखेंगे? स्मेल को हम खुशबू भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना खुशबू, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे खुशबू। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? खुशबू। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे? आंगन। क्या है? देखो नंबर 4 क्या है ये? आंगन। तो आंगन को हम क्या बोल सकते हैं? देखो, आंगन को हम क्या बोलेंगे? आंगन को हम अपना अंगना भी बोल सकते हैं, आंगन, अंगना। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? आंगन का समानार्थी शब्द हम लिखेंगे प्रांगण। क्या लिखेंगे? हाँ, प्रांगण। समझ में आया आपको? तो ऐसे जो समानार्थी शब्द है वो आपको समझना है कि अगर मैं आपको कोई भी समान अर्थ वाले शब्द लिखने को दूं तो आपको लिखना आना चाहिए। देखो, ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम में ये आएंगे, कोई भी आ सकता है। तो आपको समझना होगा कि जब भी हम समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है वहां पे? हमें उसके आंसर में ऐसे शब्द लिखने हैं जिसका अर्थ भी पहले शब्द से बिल्कुल मैच करता हो। समझ में आया आपको? तो उनको ही हम समान अर्थ वाले शब्द बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ 4 शब्द देखे और उनके समान अर्थ वाले शब्द भी देखे। तो कौन कौन से? चलो अभी हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी सब लोग ध्यान दो और मेरे साथ आप भी पढ़ो। देखो, पहला क्या है? घर। तो घर को हम क्या बोलेंगे? मकान। घर का समान अर्थ वाला शब्द हुआ मकान। उसके बाद सेकंड वाला क्या है? रास्ता। तो रास्ता का समानार्थी शब्द क्या है यहाँ पे? पथ। रास्ता और पथ एक ही है। ओके, उसके बाद नंबर 3, तो क्या है थर्ड वाला? महक। तो महक का समानार्थी शब्द क्या हुआ यहाँ पे? खुशबू। ओके,
आंगन। समझ में आया आपको? तो ये जो कुछ फोर समानार्थी शब्द है जो हमने आज की क्लास में सीखे वो सभी आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। और समझने के बाद क्या करना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में भी अच्छे से लिखना है, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में इसी पाठ के भाषा ज्ञान के साथ। ओके।